अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता थे। उस आजादी के आंदोलन में खून भी बहा, लाखों की जान गई। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या उस आजादी के आंदोलन में कहीं भी इस देश की महिलाएं, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी के अधिकार की कोई चर्चा है? मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जहां अपमान हो वहां जाना बंद कर दो। तो समाज की पूरी आजादी की लड़ाई लड़नी है, और इस लड़ाई में अगर हमारी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की संतान है। आप लोग मेहनत करके खाते हैं, लेकिन आज देश की सरकारें चाहती नहीं है कि आप मेहनत करके खाएं। देश की सरकारें चाहती हैं कि वह आपको 10-20 किलो राशन दे दें और आप अपना स्वाभिमान का जीवन छोड़कर उनके गुलाम बन जाएं। आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस आजादी के आंदोलन में लाखों लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता थे। उस आजादी के आंदोलन में खून भी बहा, लाखों की जान गई। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या उस आजादी के आंदोलन में कहीं भी इस देश की महिलाएं, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी के अधिकार की कोई चर्चा है? आपको कहीं चर्चा नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और आजादी की लड़ाई लड़ी गई। 3,500 साल की गुलामी से आजादी का भी एक आंदोलन चला, जिसको अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चंद साथियों के साथ लड़ा। एक तरफ 200 साल की गुलामी से आजादी का आंदोलन है, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होकर काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आ जाए और दलित पिछड़ा आदिवासी महिला वैसी गुलाम बनी रहे, और दूसरी तरफ 3,500 साल की गुलामी तोड़कर देश के दलितों पिछड़ों आदिवासियों और महिलाओं की आजादी का आंदोलन अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चंद साथियों के साथ लड़ा। कोई खून नहीं बहाया, किसी का खून नहीं बहा, किसी की जान नहीं गई, कोई औजार हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से इस लड़ाई को लड़ा और हमें 3,500 साल की गुलामी से आजादी दिला दी। हमारे जीवन में सारे हक अधिकार जो मिले हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन को जलाकर हमें दिए हैं, लेकिन आज वो सारे हक अधिकार छीन रहे हैं। उन्होंने हमें डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने का रास्ता बनाया। उन्होंने हमें रिजर्वेशन देकर बड़ी बड़ी कुर्सियां दी। उन्होंने रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हमारे लोगों को MP, MLA, मंत्री बनने का रास्ता बनाया। लेकिन उनको पता न था, उनको इस बात का आभास न था कि जो लोग हमारे MP, MLA और मंत्री बनेंगे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार कर देंगे। उन्हीं के रहते हुए हमारे समाज के सारे अधिकार छिन गए। उन्हीं के रहते हुए जब सारे हमारे समाज के अधिकार छिन रहे थे तो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री क्या कर रहे थे? वो गूंगे भरे बन के बैठ जाते हैं। हमारे भाइयों का कत्ल हो रहा है, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारी झोपड़ियां जलाई जा रही हैं। कहते हैं भोजन माता के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, ये दलित महिला ने बनाया है, दलित के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी भारत के अंदर खेत है जहाँ जितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, बेशक खेत का मालिक कोई भी हो, लेकिन मजदूर के तौर पर फसल उगाने का काम हमारा ये बहुजन समाज करता है। ये मेहनत का समाज फसल उगाता है। जितने प्रकार का अन्न उगाया जाता है हमारे समाज के लोग उगाते हैं, हमारा खून पसीना उसमें लगा है, तो फिर उस खाने को हम क्यों खाते हो? जिन अस्पतालों में आप इलाज कराते हो उन अस्पतालों का मजदूर के तौर पर निर्माण, अपना खून पसीना बहाकर हमारे समाज के लोग करते हैं, तो आप अपन क्या उन अस्पतालों में इलाज कराना बंद कर दोगे? जिन कॉलेजों में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, जिन स्कूलों में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूल और कॉलेजों का निर्माण मजदूर के तौर पर हमारे समाज के मेहनत कश लोग करते हैं, बहुजन समाज के लोग करते हैं, उनके निर्माण में हमारा खून पसीना बहा है, तो क्या आप अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना बंद कर दोगे? अरे जिन चप्पल और जूतों को आप पहनते हो उन जूते चप्पल को हमारे समाज के लोग बनाते हैं। जो कपड़े आप पहनते हो उन कपड़े को रुई से, धागा, धागे से कपड़ा बनाना और सिलना, दोनों काम हमारे बहुजन समाज के लोग करते हैं, क्या आप कपड़ा पहनना बंद कर दोगे?
अरे जिस मंदिर में जाकर आप पूजा अर्चना करते हो, जिस भगवान की आप पूजा करते हो, आपको पता होना चाहिए पत्थर को तराश कर उसको मूर्ति भगवान की बनाने का काम भी हमारे मेहनत का समाज के लोग करते हैं। उस मूर्ति में हमारे समाज का खून पसीना लगा है। क्या आप उन मंदिरों में पूजा पाठ करना बंद कर दोगे? क्या क्या छोड़ोगे आप? मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जहां अपमान हो वहां जाना बंद कर दो। अभी अमर मत करो, अभी लड़ाई लड़नी है। अभी तो समाज की पूरी आजादी की लड़ाई लड़नी है। इस लड़ाई में अगर हमारी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है। जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि हमारे नेता कैसे होने चाहिए, जो समाज की आवाज बने, समाज की तो तकलीफ को मजबूती के साथ संसद विधानसभा में उठाए, लेकिन हमारे नेताओं ने धोखा दिया। मैं आपको प्रोमिस करता हूं, आपके साथ ये गद्दारी मैं होने नहीं दूंगा। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हम हारने वाले लोग नहीं है, हम स्वाभिमानी लोग हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की संतान हैं, हम सम्राट अशोक की संतान हैं, हम संत गुरु रविदास की संतान हैं। हम लोग मेहनत कस लोग हैं, कमा के खाने वाले लोग हैं। हमें तुम्हारा 10-20 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें सम्मान और स्वाभिमान का जीवन चाहिए। हम अपनी बहन बेटी की इज्जत को लुटता हुआ नहीं देख सकते, हम अपने भाइयों का कत्ल होता नहीं देख सकते। आप हमारी झोपड़ियां चलाते हो, ये बंद कर दो वरना एक सैलाब आएगा। जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग खड़े हो गए, तुम संभल नहीं पाओगे। कितनी जेलें बनाओगे, कितने लोगों को जेल में डालोगे झूठे मुकदमे बनाकर, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। हम करोड़ों लोग जिस दिन घर से निकल पड़े जेल जाने के लिए, तुम्हारी जेलें भी कम पड़ जाएंगी और तुम्हारे घर भी कम पड़ जाएंगे। हम अपने समाज के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। क्योंकि अब तो मैं पर्दाफाश करके छोड़ूंगा, इन सारे जो षड्यंत्र करने वाली सरकारें हैं, इन सरकारों ने क्या षड्यंत्र किया शायद तुम्हें पता भी नहीं है, क्योंकि कोई आपको बताता नहीं है। बिल्कुल सही कहा मेरे साथी ने, उधर बैठे सुमित चौहान जी, उन्होंने सही कहा कि आप ये सारे मीडिया चैनल को देखना बंद करो, ये केवल नफरत फैलाते हैं, ये केवल नफरत फैलाते हैं। ये भारत से इनको प्यार नहीं है, ये गद्दार लोग हैं, ये देश को तोड़ने की साजिश में शामिल हैं। ये वही लोग हैं जो पुलवामा की घटना का जो उजागर किया है सच, वहां के उस वक्त के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने, इन मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं हो रही उसको उसके ऊपर चर्चा कर ले, यानी कानून की सुरक्षा में ही लोगों को मरवा दिया। अरे गुंडे कोई हो या ना हो, माफिया हो, तो सरकार सजा देना कोर्ट किस लिए है? किस लिए है कोर्ट? अगर सब लोग औजार हथियार उठा लेंगे और ऐसे ही मारने लग जाएंगे तो फिर देश बचेगा क्या? फिर कानून व्यवस्था बचेगी क्या? फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत है क्या? उस पर चर्चा सारे टीवी चैनल पर चर्चा करवा रहे हैं, लेकिन पुलवामा का जो खुलासा किया, जो 40 हमारे जवान मारे गए, 300 किलो आरडीएक्स लेकर एक गाड़ी घूमती रही और वहां जाकर टकरा के हमारे सैनिकों को मार दिया, और उन्होंने जो खुलासा किया कि वो सेना के जवानों ने केवल 5 प्लेन मांगे थे कि हमें प्लेन से वहां तक पहुंचा दो, उनको प्लेन मुहैया नहीं कराए, उनको प्लेन मुहैया नहीं कराए, खुद के लिए 8,000 करोड़ का प्लेन खरीद लिया, लेकिन सैनिकों को वहां तक भेजने के लिए 5 प्लेन नहीं दे सकते। इस पे हमारा मीडिया चर्चा नहीं करता, हमारा चर्चा करता है तो नफरत के लिए, हिंदू मुसलमान करता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं, चूंकि इस सारे साजिश में अगर किसी का नुकसान हो रहा है, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, माइनॉरिटीज का, आपका नुकसान है। चूंकि जब दंगे होते हैं या जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं उसमें जो तलवारें लहराते रहते हैं गेरवे कलर के कपड़े डालकर, आपको कभी ध्यान से देखना, उसमें उन जातियों के लोग नहीं मिलेंगे जो देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, जिनके घरों में मंदिरों का चढ़ावा जाता है। उस समाज के लोग उन धार्मिक जुलूस में नहीं मिलेंगे, उस समाज के लोग उन दंगों में नहीं मिलेंगे जो लोग पूरे देश के बिजनेस पे कब्जा किए हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, आप लोग की जान इतनी सस्ती है क्या?
आप लोग का इस्तेमाल करके दंगों में इस्तेमाल कराया जाता है, और जब दंगे में मरने वाला तो मर गया, जिसने मारा वो जेल गया, और उसके मां बाप प्रॉपर्टी बेच के उसका केस लड़ने पे लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने एक लिस्ट अभी देखी जो गुजरात में 2002 में दंगे हुए, उसमें लगभग 1600 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। उन 1600 के करीब जो लोग गिरफ्तार हुए, आपको जान के ताजुब होगा, और आप आपको आपको पता लगना चाहिए सच का। उसके अंदर 95% लोग अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग जेल गए। किसी भी प्रकार के जब दंगे होते हैं तो उसमें मारा गरीब जाता है, जेल भी गरीब जाता है, बर्बाद गरीब होता है। अपने बच्चों को समझाइए, किसी भी दंगे में हमारा दलित पिछड़ा आदिवासी शामिल नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना देना चाहिए, हमें जागरूक होना है। इन सरकारों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, ये धर्म के नाम पे दंगे करवाते हैं और दंगों में गरीबों के बच्चे जेल जाते हैं, इससे हमें जागरूक होना है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर से एक आजादी की लड़ाई की जरूरत है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हमें देकर गए थे। पढ़ाई महंगी करके पढ़ाई छीन ली, और जो नौकरियां मिल जाया करती थी वो ठेकेदारी प्रथा को दे दी, और ठेकेदारी प्रथा में गरीबों का शोषण होता है, आधी तनख्वाह ठेकेदार खा जाता है, जो पूरी पैसे मांगता उसको नौकरी से निकाल देता है, आउटसोर्स करके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी नौकरियां भी छीन ली और महंगी पढ़ाई करके हमारी पढ़ाई भी छीन ली। तो जो थोड़े बहुत बच्चे हमारे गांव से निकल के जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने थे, अब वो रास्ता भी इन्होंने बंद कर दिया। इसलिए अपनी वोट की कीमत को पहचानना होगा, अपनी वोट की कीमत को पहचानना होगा। अब हम अपनी वोट को शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में 10-20 किलो अनाज में नहीं बेचेंगे। और जिन सरकारों ने हमारे बच्चों से शिक्षा महंगी करके शिक्षा छीन ली है, ठेकेदारी प्रथा में सारी नौकरियां देकर हमारे बच्चों से नौकरियां छीन ली है, हमारे मजदूरों से, उनके बच्चों के मुंह से उनके निवाले छीन लिए हैं, ऐसी सरकारों को और ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को भी अब जवाब देने का समय आ गया है, और वो जवाब हम देंगे। हमें पता है मरना एक दिन पक्का है, कोई अजर मर रही है, सबको मरना है, तो मरना तो हमें भी है, पर ऐसे ही नहीं मरेंगे, अपने समाज के, अपने इन बच्चों के भविष्य का, इनके हक अधिकार की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए बिना हम मरने वाले भी नहीं है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, 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 जय भीम,